नमस्ते 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 आइए आइए अंदर आइए। लड़का बहुत अच्छा खानदान से हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। आप सब आए हमें बहुत खुशी हुई। हमारे पिताजी कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा हाँ जी। वो कहाँ इस शादी में आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? तुम्हें पता नहीं है क्या, वो प्रेम विवाह में कभी नहीं आते। उनकी पोती का तो सुना है किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। उनकी शादी में तो उनको जाना ही पड़ेगा ना। वो किसे पता, वो भला कैसे नहीं जाएंगे, वो तो घर की शादी है ना। वो सिर्फ दूसरों की शादी में न जाने का दिखावा करते हैं। पर बात क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे पिताजी के बारे में चलो चलो यहाँ से, सबको तो हम बाद में देख लेंगे। इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो? एक सुंदर लड़की जब पीछे बैठी हो तो गाड़ी अपने आप स्पीड में चलने लगती है। जरा वो दिखो तो। इसकी वजह से हमें कितनी बदनामी सहनी पड़ी है, और जरा उसे देखो कैसे मजे कर रही है उसके साथ। ए, बैठ जाओ। अगर रास्ते में इसके साथ कुछ करोगे तो हमारे ही घर की इज्जत जाएगी। पर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जो भी हो घर जाके बात करेंगे, अभी कुछ मत करो, चुपचाप देखते रहो। अरे क्या हुआ, आप लोग कितने गुस्से में क्यों हो? अब क्या होना बाकी है, तुमने बड़ी अच्छी बेटी को जन्म दिया। ए, तुम्हारी लड़की मेरी लड़की, ऐसा अलग होकर बोलना क्या चाहते हो? तो और क्या बोले हम, इतना होने के बावजूद वो उसी लड़के के साथ घूम रही है, उसे हम सबसे ज्यादा प्यारा वो लगता है। चार लोगों में उसने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। कैसी लड़की को पैदा किया तुमने, और बोलते गुस्सा क्यों हो? पैसे कम पड़े तो मेहनत करके कमा सकते हैं, इज्जत गई तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसे आप लोग क्यों बोल रहे हो? माना कि मैंने जन्म दिया है, पर सभी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, पर अब मुझ अकेले को दोष क्यों दे रहे हो? अब छोड़ो ये सब, जितनी जल्दी हो सके हॉस्टल से मोबलन को बुलाओ। उसे क्यों? हम इन दोनों की शादी करा देते हैं, पढ़ाई तो चलती ही रहेगी। वो तो आने से रहा। क्यों? ये किसी दूसरे के साथ घूम रही है, इसे मेरे बेटे के गले में बांधने की सोच रहे हो? इसके होने वाले बच्चे का बाप क्या मेरा बेटा होगा? हे, ये क्या बोल रहे हो? गलती करे कोई और मार खाए मेरा पति, ये मैं होने नहीं दूंगी। जिसकी गलती है उसे तो आपने छोड़ दिया। मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है, इन्हें क्यों मार रहे हो बताओ? आप लोग अपनी हद पार मत कीजिए, वरना तुम्हें पता है किससे बात करनी है, मत बोलो। अब से हम यहाँ नहीं रहेंगे, जाओ बच्चों को लेके आओ। जाओ कहा ना, अब यहाँ नहीं रहेंगे। उसे मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बात है, मुझे गुस्सा है। मेरी बेटी इन सबका कारण है ना, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम क्यों जा रहे हो? अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना, घर छोड़कर मत जाना। ठीक है, मत जाना। तुम सब एक बार बस मत नहीं आती है, बच्चों को बुलाओ। बेटी के बारे में बोला था, मुझे गुस्सा है। सुनो, तुम्हारी इतनी औकात, अपनी औकात में रहना, छोड़ो मुझे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, जाओ बच्चों को लेकर चलो यहाँ। तुम लोग भैया जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो भैया। भैया आप ही सुनिए ना भैया, तुम बीच में मत पड़ो। मुझे कैसे रहेंगे आपके बिना, वो टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। अरे लेके आओ जल्दी, पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, चलो चलो यहाँ भैया, आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ जल्दी, वहाँ भी भैया को चलो, जाओ ना, आओ जाओ ना भैया, घर छोड़ के ना ना चले जाएंगे। चलो आपके बच्चे भैया जी,
रोकू ना तो जैसे नहीं जा सकते। अरे भाई समझा इनको बाबू जी, आप ही कुछ बोलो ना, बोलो ना बाबू। पिताजी सभी जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए पिताजी, रोक लीजिए भगवान। वो सब चले गए हैं भगवान, क्या होगा। आप लोग सब घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये सब मेरी लड़की की वजह से हुआ है। हम जाएंगे घर छोड़ के, आप यहीं रहो, आप मत जाओ प्लीज। ये घर बच्चों के बिना सुना हो जाएगा। मैं भीख मांगता हूँ, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। मेरी बेटी की वजह से ये सब हुआ है, हम जाते हैं। प्लीज मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ, आप लोग कहीं मत जाओ प्लीज। पिताजी आपके बिना कैसे रहेंगे, प्लीज आप लोग कहीं मत जाओ, हम चले जाएंगे, प्लीज यहीं रहो। हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, प्लीज आप मत जाओ, आप मत जाओ। चलो सब सब टूट कर बिखर गया। पिताजी आपने जन्म दिए हुए सारे बच्चे सही हैं, बस मेरे जन्म दिए हुए बच्चों में ही कमी रह गई है। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो पिताजी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, जा रही हूँ पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ए, तू क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? रोना नहीं, रोना नहीं चाहिए बेटा। तुम्हें यहाँ पर सभी कोई अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है बेटा। तुम्हें जन्म दिए हुए माता पिता भी तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं बेटा। तुम इतना क्यों सोच रहे हो, क्यों रो रहे हो? तुम तो यहाँ पर सबसे होशियार बच्चा हो। मैं सच कहूँ तुम बिल्कुल भी रोती हुई अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं, चलो आओ बैठो, आओ चलो।